हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्यामला अकेडमी ऑफ होटल मैनेजमेंट घनाटी शिमला। और आज हम बात करने वाला है आपका व्हाट इज साइक्लिंग मेन्यू, कि साइक्लिंग मेन्यू होता क्या है और आप होटल्स और रेस्टोरेंट के अलावा इस मेन्यू को कहां कहां पर यूज कर सकते हैं या इसका कहां पर यूज किया जाता है, आपकी साइक्लिंग मेन्यू की डेफिनेशंस होती क्या है, आपका साइक्लिंग मेन्यू होता क्या है, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और मेन्यूज के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आपका मेन्यू कितनी तरह के होते हैं और अलग अलग मेन्यू कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका अलाकार्ट मेन्यू क्या होता है, आपका टाबले ड्यूस मेन्यू क्या होता है और कितनी तरह के मेन्यूज होते हैं, इन सब के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इन वीडियोस को भी आप जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाला आपका व्हाट इज साइक्लिंग मेन्यू, कि साइक्लिंग मेन्यू होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशंस या इसको समझते हैं कि साइक्लिंग मेन्यू होता क्या है। यहाँ पर समझते हैं एक बोर्ड के जरिए। तो साइक्लिंग मेन्यू है जो आप, इट इज अ सीरीज ऑफ टाबले ड्यूस मेन्यू फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो आपका साइक्लिंग मेन्यू है वो आपका एक टाबले ड्यूस मेन्यू की ही सीरीज होती है, बट ये आपका एक पर्टिकुलर सेट टाइम के लिए होता है, उस समय के बाद इसको चेंज कर लिया जाता है। आगे विच आर पर्टिकुलर पीरियड, मींस जो आपका जो साइक्लिंग मेन्यू है वो आपका पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, से फॉर 6 मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको आप आफ्टर 6 मंथ आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। बट ये जो साइक्लिंग मेन्यू होता है वो आपका टाबले ड्यूस की सीरीज होती है। आफ्टर 6 मंथ अ न्यू सेट ऑफ मेन्यू विल बी प्रिपेयर्ड, और आफ्टर 6 मंथ आपको नया मेन्यू जो है वो प्रिपेयर्ड करना होता है। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, जो आपका साइक्लिंग मेन्यू है। तो साइक्लिंग मेन्यू आपका किसी भी इंस्टीट्यूशनल में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो हॉस्टल्स होते हैं या कोई पीजी हाउस या पीजी हॉस्टल्स हो सकते हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपके हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में आपका साइक्लिंग मेन्यू होता है। तो जो साइक्लिंग मेन्यू होता है वो आपका फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है और आपकी ये टाबले ड्यूस की सीरीज होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो साइक्लिंग मेन्यू है वो एक 1 वीक के लिए प्रिपेयर किया जाता है और आफ्टर 1 वीक वो फिर से अगेन रिपीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका मंडे का जो मेन्यू है वो फिक्स्ड होगा, ट्यूजडे के लिए अनदर डिशेज प्रिपेयर की जाएगी, बट जो नेक्स्ट वीक होगा अगेन मंडे को आपकी वही डिशेज बनाई जाएगी। तो ये है आपका साइक्लिंग मेन्यू। आई होप आप समझ गए होंगे कि साइक्लिंग मेन्यू होता है क्या है। अब जानते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन और इसकी कुछ एडवांटेजेस। तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहले जानते हैं इसकी एडवांटेजेस। तो पहली एडवांटेजेस है आपका इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। जो आपका साइक्लिंग मेन्यू, जब आप किसी भी एकेडमिक में या किसी भी हॉस्टल्स में या हॉस्पिटल्स के अंदर या कहीं पर भी आप साइक्लिंग मेन्यू जब डिजाइन करते हैं या आप अपना साइक्लिंग मेन्यू वहां पर रखते हैं, तो इसमें आपकी जो कॉस्ट कंट्रोल है उसकी वो इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल होती है। जो आपकी फूड कॉस्ट होती है वो आपकी कंट्रोल में रहती है। नेक्स्ट आपका स्टॉकिंग ऑफ अननेसेसरी गुड्स इज अवॉइडेड। जो आपकी अननेसेसरी गुड्स है, जो आपके अननेसेसरी अनयूज्ड, जो ना यूज होने वाली जो जितनी भी वस्तुएं हैं या जितना भी आपका फूड है वो आपको स्टोर करने की वहां पर जरूरत नहीं रहती, बिकॉज आपका जो ये सेट मेन्यू होता है आपको पहले से ही मालूम होता है कि आपको कौन कौन सा फूड प्रिपेयर यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आपका डज नॉट नीड मोर ऑफ अ स्टोरेज एरिया फॉर अ पेरिशेबल थिंग्स। जो आपकी पेरिशेबल्स वेजिटेबल्स है या पेरिशेबल जो फूड है उसके लिए आपको ज्यादा स्टोर एरिया की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका सेट मेन्यू होता है तो आप इसको डेली बेसिस में परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फूड वेस्टेज इज ऑलमोस्ट निल। यहाँ पर आपकी जो फूड वेस्टेज है वो भी ऑलमोस्ट निल होती है, क्योंकि आपका फिक्स्ड मेन्यू है, आपको पहले से ही मालूम होता है कि आपको कितने लोगों का फूड प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है इजी टू प्लान द प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो यहाँ पर आपकी इसकी एक और एडवांटेजेस है कि इसका जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स है उसको आप प्लान कर सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट अलग से बनाना है, जो लंच की तैयारी है वो आपको कब करनी है, जो डिनर की जो प्रिपरेशन है वो किस समय करनी है। तो यहाँ पर आप वेल प्लान कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपकी लेबर रिक्वायर्ड प्लान्स। जो आपकी जो लेबर है, जो आपकी जो स्टाफिंग है, उसकी भी आप प्रॉपरली प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितने लोगों की वहां पर रिक्वायर्ड रहेगी। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस थी आपकी जो साइक्लिंग मेन्यू के अंदर आती है। अब चलिए जानते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है। तो पहली है आपकी कंज्यूमर हैव नो चॉइस बट टू टेक
what is offered. तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन है कि जो आपका कस्टमर या जो आपका गेस्ट है या आपके हॉस्टल्स में या जो हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं उनके पास जो फूड की जो चॉइस है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बट वहां पर जो ऑफर किए जाते हैं वही फूड उनको वहां पर मिलता है या वो जो ऑफर वहां पर चल रहे होंगे या जो मेन्यू सेट होगा वही आपको फूड वहां पर सर्व होगा. तो ये पहली इसकी लिमिटेशन है. नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ डिशेज इज हायर. तो जो आपकी फूड की जो रिपीटेशन है, जो आपका फूड मंडे को कुछ फूड बनना है, ट्यूजडे को अलग से फूड बनना है, पर इसमें जो वीकली जो फूड प्रिपेयर होता है वहां पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है फूड रिपीटेशन की वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है. आपकी एक या दो डिशेस वीक के अंदर रिपीट हो सकते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है. नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन. तो इसकी एक लिमिटेशन है कि जो आपका जो स्टाफ है, जो आपका कुकिंग या किचन स्टाफ है, उसकी जो नॉलेज है वो एक्सटेंसिव होनी चाहिए. उसको मालूम होना चाहिए कि जब बल्क में फूड आपका प्रिपेयर हो रहा है उसका जो टेस्ट है, उसकी जो फूड प्रेजेंटेशन है या जो आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटीज है वो हाई रहनी चाहिए या उसको एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए. तो ये था आज आपका साइक्लिंग मेन्यू की साइक्लिंग मेन्यू होता क्या है, उसका कहां कहां पर आप यूज कर सकते हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती है और उसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती है. तो ये सारी चीजें आपकी साइक्लिंग मेन्यू के अंदर आती है. नेक्स्ट टाइम जब भी आप साइक्लिंग मेन्यू डिजाइन करें तो आप इन सभी पॉइंट्स का यहां पर ध्यान रखें. तो थैंक यू सो मच. आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.